नमस्कार, इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नायर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो आपको आज सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत सुबह की सुर्खियों के साथ। 24 की चुनौती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के नंदुरबार और तेलंगाना के महबूब नगर और हैदराबाद में जनसभा के बाद उड़ीसा में करेंगे रोड शो। चुनावी रण में बीजेपी के नेताओं की तूफानी रैली, अमित शाह झारखंड और पश्चिम बंगाल में तो जेपी नड्डा हरियाणा और चंडीगढ़ में संभालेंगे कमान। राजनाथ सिंह दुमका में जनसभा और गोड्डा में करेंगे रोड शो। विपक्ष ने तेज की प्रचार की धार, मल्लिकार्जुन खड़गे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में करेंगे पब्लिक मीटिंग, वहीं राहुल गांधी और मायावती उत्तर प्रदेश में करेंगे प्रचार। सातवीं और अंतिम चरण के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया जारी, रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से करेंगे नामांकन। कांग्रेस उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वाराणसी लोकसभा से भरेंगे पर्चा। भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे और रवि किशन का भी नामांकन आज। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। अंतरिम जमानत पर प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में हलफनामा किया दाखिल। अक्षय तृतीय के शुभ अवसर पर आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत। श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट, वहीं 12 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। और खेल की खबरों में, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से हार के बाद पंजाब किंग्स प्लेऑफ की रेस से बाहर। विराट कोहली की आतिशी पारी की बदौलत पंजाब को दी 60 रन से शिकस्त। आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने। बुलेटिन की शुरुआत 24 की चुनौती के साथ, और 24 की चुनौती में तूफानी रैली, विशाल जनसभाओं और रोड शो का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में चुनाव प्रचार करेंगे। सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के नंदुरबार में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के महबूब नगर जाएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर प्रधानमंत्री ओडिशा का रुख करेंगे और भुवनेश्वर में रोड शो करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का चुनाव प्रचार अभियान लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। मिशन 400 पार के नारे के साथ एक एक सीट को जीतने के लिए पार्टी के सभी दिग्गज नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक अमित शाह झारखंड और पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो कर एनडीए के पक्ष में जीत का माहौल तैयार करेंगे। अमित शाह आज सबसे पहले झारखंड के खूंटी लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वह पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर पहुंचेंगे, जहां वे नादिया जिले के राणाघाट और वीरभूम संसदीय क्षेत्र में रैली करेंगे। रैली को संबोधित करने के बाद शाह आसनसोल से भाजपा उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया के समर्थन में शाम 4 बजे रानीगंज के सियारसोल राजबाड़ी मैदान में शिशु बागान तक एक रोड शो भी निकालेंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्टार प्रचारक जेपी नड्डा आज हरियाणा के पंचकुला में दोपहर करीब 12 बजे रोड शो कर जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे, जिसके बाद वह शाम 4 बजे चंडीगढ़ के रामलीला मैदान में विजय संकल्प रैली को संबोधित कर राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत को सुनिश्चित करेंगे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झारखंड के गोड्डा और दुमका में भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे।
रक्षा मंत्री दुमका के यज्ञ मैदान में सीता सोरेन के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं राजनाथ सिंह गोढ़ा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे के नामांकन में भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए विपक्ष का भी धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। आज विपक्ष के कई दिग्गज नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चुनावी जनसभाएं करेंगे। खड़गे का दिन का पहला चुनावी कार्यक्रम तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है, जहां वो एक प्रेस वार्ता कर लोगों के सामने पार्टी का चुनावी एजेंडा रखेंगे। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष तेलंगाना के भोंगीर में चुनावी जनसभा कर लोगों से वोट मांगेंगे। शाम को खड़गे आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी के भी आज दो चुनावी कार्यक्रम हैं। राहुल आज लखनऊ में विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से आयोजित राष्ट्रीय संविधान रक्षा और न्याय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चार सत्रों में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में राहुल शाम 6 बजे से आयोजित एक सत्र को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में सामाजिक न्याय की वकालत करने वाले करीब 30 से ज्यादा संगठन हिस्सा ले रहे हैं। राहुल गांधी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश के कन्नौज और कानपुर में भी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश के अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करेंगे। मायावती लगातार चुनाव प्रचार को धार दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन भरेंगे। अजय राय उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा से कांग्रेस के टिकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले 2014 और 2019 की लोकसभा चुनाव में भी अजय राय को 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव में हार मिली है। भाजपा प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आज पटना साहिब से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बिहार के पटना साहिब में आम चुनाव के 7वें चरण के तहत 1 जून को मतदान किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के बैतूल में 4 मतदान केंद्रों पर आज दोबारा वोट डाले जाएंगे। इन मतदान केंद्रों की सामग्री बस में आग लगने के कारण जल गई थी। बस में 6 मतदान केंद्रों की सामग्री थी, जिसमें 2 मतदान केंद्र की सामग्री सुरक्षित बची थी। मतदान शाम 6 बजे तक होगा। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर आज अपना फैसला सुनाएगा। इससे पहले कल केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। इस हलफनामे में ईडी ने कहा है कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है ना ही संवैधानिक अधिकार, और यहां तक कि कानूनी अधिकार भी नहीं है। ईडी ने कहा कि पिछले 5 साल में 123 चुनाव हुए हैं, और अगर नेताओं को प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाए तो किसी भी नेता को गिरफ्तार या न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकेगा, क्योंकि साल भर कोई ना कोई चुनाव होते रहते हैं। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने के द्वारा 9 समन जारी करने के बावजूद केजरीवाल पेश नहीं हुए थे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। इस शुभ तिथि पर विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। आज विधि विधान के साथ सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खुल जाएंगे। हजारों श्रद्धालुओं के जयकारों के साथ बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली केदारनाथ पहुंच गई है।
देर शाम तक 16,000 से अधिक श्रद्धालु भी पहले दिन बाबा केदार के दर्शन के लिए केदारपुरी पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम के कपाट खुलने पर मौजूद रहेंगे। 10 मई को सुबह 7 बजे यानी कि अब से कुछ देर बाद केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि यमुनोत्री धाम के कपाट सुबह करीब 10:30 बजे और गंगोत्री धाम के कपाट 12:25 पर खुलेंगे। खेल की खबरों में, इंडियन प्रीमियर लीग में पंजाब किंग्स की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। धर्मशाला में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में पंजाब की टीम को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 60 रन से हरा दिया। मैच में पंजाब किंग्स की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आरसीबी ने विराट कोहली के 47 गेंदों पर 92 रनों के दम पर 7 विकेट पर 241 रन का स्कोर किया। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली के साथ फिलहाल के लिए डीडी न्यूज़ की टीम को दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।